बैक टू द चैनल यूमिट मी। आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मने का समय हो गया है और अभी बज रहा है 9:30 और धूप भी आज बहुत कड़े होने वाला है। तो मैं हूँ धूप में खड़ा और मेरा नहाना हो गया है। सुबह सुबह मैंने नहा भी लिया और ठंडा भी बहुत हो रहा है तो धूप में थोड़ी देर खड़ा रहने से बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं धूप में खड़ा हूँ। और चलिए आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक करना और जो मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं बोलती हूँ जो रोज़ आज भी मैं बोल रही हूँ और हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। मैं लंच बनाना शुरू कर दिया और मैं क्या बना रही हूँ चलिए आप लोगों के साथ कुछ कर सकती। मैं बैंगन को फ्राई कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ मटर का दाल। तो देखिए बॉयल होने के लिए मैंने बैठा दिया है और ये दाल मैं करूँगी करेला से। और इधर से देखिए करेला मैंने फ्राई होने के लिए बैठा दिया है और ये बहुत टेस्टी होता है ये दाल। और देखिए कैसे मैं बनाती हूँ करेला देखिए मटर का दाल। और करेला देखिए मैं फ्राई हो रहा है थोड़ा थोड़ा और ये इसको मैं लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी। और मैं बनाने वाली हूँ मेथी साग। और देखिए मेथी साग इधर पे मैंने धो के रख दिया है और मैंने कढ़ाई पे ऑयल थोड़ा सा दे दिया और दे दिया कलौंजी। अभी मैं मेथी को दे दूँगी और ये मेथी साग मैं करने वाली हूँ बैंगन लेके। तो बैंगन को भी मैंने आगे में फ्राई करके रखा है और बैंगन को मैंने फ्राई करके रखा है मेथी साग के साथ। बैंगन दे के करने से बहुत अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा नमक और हल्दी मैं दे दिया और इधर पे मेरा दाल बॉयल हो गया है और मैंने नमक भी दे दिया है थोड़ा सा और भी ये अच्छे से बॉयल हो जाए उसके बाद इसको मैं छौंक लगाऊंगी। तो मेथी साग थोड़ा फ्राई हो गया है और बैंगन को मैंने आज ही फ्राई करके रखा था, अभी मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूंगी। तो ये हो गया है मेरा मेथी साग बैंगन देखे और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये। और विंटर के सीज़न में तो मेथी साग बहुत ही मिलता है तो मेथी का पराठा तो खाइए। मेथी का पराठा मैं भी बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है और ऐसे राइस के साथ ये साग बहुत अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी पराठा के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इधर पे दाल अच्छे से बॉयल हो गया है और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी करके रखा है ये दाल को थोड़ा घना हो जाएगा। इसके लिए इसको लिक्विड करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और ये बॉयल हो गया है और मैंने पानी ऐड कर दिया है। अभी मैं ये दाल को छौंक लगाऊंगी। चलिए और कढ़ाई पे तो दाल को छौंक लगाने के लिए मैंने कढ़ाई पे ऑयल दे दिया सरसों का ऑयल। अभी और ये दाल बनाने के लिए ऑथेंटिक एक मसाला है बंगाली स्पेशल, वो है राधुनी, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसके साथ है थोड़ा सा अदरक, मैंने कद्दूकस करके रखा है और इधर पे है लाल मिर्च। और चलिए दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं लाल मिर्च को दे दूँगी। इधर पे देखिए करेला है, ये देखिए मैं दाल बनाने वाली हूँ और ये दाल है शुक्ता दाल बोलते हैं बंगाली में और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो मसाला है ये मसाला देने से ये दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और ये दाल ये मसाला से ही बनता है छौंक से। तो इधर पे मेरा लाल मिर्च देखिए ये रेड एकदम हो गया है। अभी मैं दे दूँगी मसाला, अभी मैं दे दूँगी राधुनी को और दे दूँगी हो गया है। अभी हो गया शाम के समय। तो शाम के समय हम लोग आए थे मंदिर में काली माँ के दर्शन करने और पूजा देना था। मेरी मम्मी का पूजा था तो मम्मी पूजा दे रहा है और हम लोग घूम रहे हैं और देखिए और कितना अच्छा लग रहा है।
রাখছেন? और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और ये ब्लॉग मैं आज यही पे एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जो नहीं सब्सक्राइब किए हो। तो आज के लिए बाय बाय।